हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे एस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल की पल पल की खबर हम आपको देते रहते हैं, तो दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत दिनों के बाद ये एक ऐसी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपके कमेंटों के जवाब हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद हमने आपको कमेंटों के जवाब नहीं दिए थे। लेकिन दोस्तों आज हम आपके कमेंटों की ये वीडियो लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ आपकी परेशानियों का हल हो सके और आपको नई जानकारी मिल सके और आपको पता चल सके कि इस वक्त पल्स मैटर पर सेबी विभाग की क्या नई नोटिफिकेशन है, क्या सूचना है। तो दोस्तों आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में सबसे पहला हमारे पास जो कमेंट है वो आया है मदन कांता जी का। मदन कांता जी का पूछना है कि पैसा कब मिलेगा। डेड लाइन में इन्होंने हमारे पास ये कमेंट भेजा है। डेड लाइन के इस कमेंट का जवाब हमारे पास ये है कि पैसा तो इस वक्त मिल रहा है, एक लंबी लड़ाई के बाद दोस्तों 2500 और 5000 की प्रक्रिया का प्रोसीजर चालू कर दिया गया है और उसमें 3 लाख से ज़्यादा निवेशकों के पैसे दे दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं 5000 के प्रोसीजर की दोस्तों, और जिन निवेशकों का अभी तक 5000 की रिफंड प्रक्रिया में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए सेबी ने नोटिफिकेशन दिया है कि वह अपने डॉक्यूमेंट्स में जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं ताकि उनका रुका हुआ पैसा उन तक वापस पहुंचे। तो दोस्तों कुछ ऐसी प्रोसीजर को लेकर 6 महीने की अवधि और आगे बढ़ा दी गई है। तो अगला कमेंट हमारे पास जो आया इस वक्त वो मंगेश जी का है, वो सॉरी विपिन मालो जी का है। विपिन माले जी का कहना है कि ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, चक्का जाम करो। विपिन माले जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी कई धरने प्रदर्शन संगठन कर रहे हैं और न जाने कितनी दफा जंतर मंतर पर बैठकर भूख हड़ताल भी की और लाखों की संख्या में निवेशक वहां पहुंचे, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि राजनेता या हमारे प्रधानमंत्री इस मैटर से दूरी बनाए हुए हैं। और क्यों दूरी बनाए, इसी टाइम पास करने में आपको पैसों के प्रोसीजर के बारे में भी बताते रहेंगे और पैसे मिलने के बारे में भी बताते रहेंगे, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगला हमारे पास जो कमेंट आया हुआ है मिस्टर इंजीनियर का है। मिस्टर इंजीनियर का एक बड़ा सवाल, सर मेरा बॉन्ड ऑफिस में जमा है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कमेंट जो हमारे पास आते हैं दोस्तों वो कमेंट बिल्कुल सही होते हैं, कुछ नकारात्मक कमेंट होते हैं, लेकिन ये कमेंट जो हमारे पास मिस्टर इंजीनियर का आया है, उन्होंने पूछा है कि मेरा बॉन्ड ऑफिस में जमा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर इंजीनियर सर कि आप अभी कोई ऐसा काम ना करें जो आपका पैसा मिलने में कोई परेशानी हो, क्योंकि अभी तक जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है उसका कोई प्रोसीजर चालू नहीं किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हफ्ते में एक दो वीडियो हम सेबी विभाग से जो बात करते हैं उसकी डालते हैं, सबसे पहले हम यही पूछते हैं उनसे और इसी पर्पस में हमारी उससे बात होती है कि जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके पैसे कम मिलेंगे। तो दोस्तों उसमें सेबी विभाग का यही कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, इंतज़ार करो, सभी का पैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके का हमें आश्वासन देते हैं, वही आश्वासन की वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। अगला कमेंट हमारे पास जो आया है दोस्तों वो मोहम्मद असीम का है। उनका कहना है कि सेबी से पहले पैसा दिलाओ फिर वीडियो बनाओ। तो मेरे दोस्त, सेबी से पैसा मिलाने की तो हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जितनी कोशिश है हम कर रहे हैं, और रही बात फालतू की वीडियो बनाने की तो भाई आपकी मर्जी है, एज यू लाइक फॉर यू, कि आप उस वीडियो को देखो या मत देखो, हमारा काम अपने काम को करना है, आप तक पहुंचाना है, आपकी मर्जी है कि आप उसे देखें ना देखें, लाइक करें या ना करें, वो सब आपके ऊपर है, लेकिन हम कंटिन्यू अपने कंटेंट डालते रहते हैं क्योंकि वो सब हमारे अपने पल्स मैटर से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास जो इस वक्त कमेंटों की समय सीमा है वो समाप्त है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से हमारे निवेशक बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों हम उन्हें बोर करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ उनके कमेंट अपने हो, तो वो अपने कमेंटों के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर मैं कमेंटों की वीडियो नहीं भी बनाता तो उनके जवाब अक्सर उनके कमेंटों के नीचे लिख देता हूं और ज़्यादातर मैं उनके जवाब देता रहता हूं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि समय की
नज़ाकत को देखते हुए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूं, और इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का घंटा भी दबा दो, और ताकि हमारी द्वारा जो वीडियो बनती है वो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। यही हमारी एक आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।